बांका जिला के बौंसी थाना के थानाध्यक्ष के द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर एक प्राइवेट एम्बुलेंस में लदी भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद किया गया। मौके से 3 शराब तस्करों को गिरफ्तार करते हुए भागलपुर लाया गया। गिरफ्तार तस्कर भागलपुर जिले के बैजानी गांव निवासी चित्रंजन पांडे, इसाक्षक मोहल्ला निवासी गौतम कुमार एवं संदीप कुमार बताया गया। थानाध्यक्ष से मिली जानकारी के अनुसार झारखंड से आ रही एम्बुलेंस को रोककर तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान 142 लीटर विदेशी शराब बरामद किया गया। थानाध्यक्ष ने बताया कि गिरफ्तार तस्करों पर उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज करते हुए कार्रवाई की जा रही है। बताते चले, बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बावजूद शराब माफिया तरह तरह के हथकंडे अपनाकर चोरी छिपे पड़ोसी राज्यों से शराब की खेप लाकर बिहार में बिक्री कर मालामाल हो रहे हैं। दूसरी तरफ एम्बुलेंस में शराब मिलने से क्षेत्र में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। बांका जिला के बौंसी थाना क्षेत्र के बेना मोहनपुर में 18 वर्षीय नुसरत खातून की हत्या बुधवार को कर दी गई। मामले में गांव के ही युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हत्या का आरोप गांव के सुफियान अंसारी पर ही लड़की के परिजनों ने लगाया है। इस संदर्भ में मृतिका की मां फरीदा खातून ने बताया कि उसकी बेटी के साथ लगातार हत्यारा बुरी नजर रखता था और अक्सर छेड़खानी किया करता था। मंगलवार की रात सुफियान अंसारी रात को घर में घुसकर बेटी के साथ जबरन दुष्कर्म करने लगा। बेटी के शोर मचाने पर परिजन दौड़े तो आरोपी भाग निकला। बुधवार को दिन में इसी बात को लेकर पंचायत बुलाई गई। पंचायत में दोनों ही पक्ष के लोग पहुंचे, लेकिन आरोपियों ने धमकी दिया कि जो भी करना है कर लो। इसके बाद भरी पंचायत में दोनों उठ गए और थोड़ी ही देर में किसी ने सूचना दी कि नुसरत की हत्या हो गई। उसके बाद परिजन सहित पूरे गांव के लोग घर की ओर दौड़ पड़े, जहां देखा नुसरत मरी पड़ी हुई है। परिजन युवती के शव को लेकर आरोपी के घर पहुंच गए और दरवाजे पर शव रखकर आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग करने लगे। इसके बाद घटना की सूचना मिलते ही बौंसी के SI सुधीर कुमार केदार पासवान पुलिस बल के साथ गांव पहुंचे और शव को जब्त किया, जबकि घर में ही पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया। इसी बीच आसपास के गांव की काफी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस गिरफ्तार युवक एवं शव को लेकर बौंसी थाने आ गई। थानाध्यक्ष ने बताया कि मामले को दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया गया है। वो लड़की जो मरी है कौन लगती है आपका? बेटी। कैसे क्या हुआ बताइए तो? भांग खाओ गले। हाँ। और दोनों बाप बेटा मिल गए, गला दबा के मारी दे। तो वो लोग कहाँ पंचायत में? वो लोग भी गया था पंचायत में? सब चले, बेटी अकेला चले घर। और वो लोग क्या किया? पंचायत से पहले भाग गया? पंचायत से पहले भाग गया, मैंने देखा पार लिए। अच्छा। आदमी हम गमा ज्यादा आ चले। हाँ। हम गला चौपे को दाबी करके यहाँ चौपे को। आप लोग कैसे पता चला? आप लोग दूसरा आदमी गले यहाँ के, मतलब बेटी माँ गला चौपे को मारी दे। नाम? इजराइल। इजराइल घर पेना मोहनपुर। वो जो लड़की जो मरी है वो कौन है आपका? हमारी लड़की है। आपकी बेटी है? जी हाँ। क्या कैसे क्या हुआ? रात में बलात्कार हुआ। हाँ। और उसके बाद 12 बजे रात में हम 5 को आदमी को उठाए 12 बजे रात में। हाँ। 12:10 में जैसे घटना। कौन किया बलात्कार? समीम का लड़का सुफियान। सुफियान है? जी हाँ। ठीक। तो यहाँ 5 ने उस घर वाला को बुलाया कि आपका लड़का कहाँ है। तो उस बाप ने कहा कि उसका लड़का मेरा घर में नहीं है। तो फिर कहाँ गया? वैसे ऐसे घटना किया, बोला हमको पता नहीं, हमको पता नहीं है। तब बोला पंच ने कि आप उसका चोर पकड़ लिए, आप अभी रात में क्या कर सकते हैं, सुबह आपका फैसला होगा। सुबह का टाइम दिया हम, सुबह वो पंच को बुलाए जो बात में रात में रखा था। तो उसमें बुलाए तो बोला कि नहीं, हम 10 बजे तक आपको निर्णय दे देंगे। 10 बजे तक निर्णय नहीं देने के बाद आप पंचायती बैठा सकते हैं गांव में। तब वही पंचायती हम बैठाए 2 बजे। और सब पंचायती से उठ के भाग गया? हाँ, पंचायती से उठ के वो चला गया। पूरे पंचायत को पूछ सकते हैं? नहीं, वो तो बताए ही लोग यहाँ का बताए जबरदस्त। फिर आपको घर से खबर आया कि बेटी? हाँ, मार दिया उसका आदमी जाके वहाँ गला चाप के मार दिया। तो देखिए पूछे कि क्या बात है, इन लोगों ने कहने लगा कि ऐसी ऐसी बात है कि समीन का लड़का सुफियान जो है वो इजराइल बोला कि मेरे घर गया था और उन्होंने मेरी बेटी के ऊपर जो है चढ़ गया, जिससे कि मेरी बेटी चिल्लाई तो हम लोग उठे और हमने जाकर के उसका पैर पकड़ा, उसके दोनों में हाथापाती हुई और मेरी बीवी ने उनको मारा भी लाठी लेकर के, 3-4 लाठी दिया भी है और वो जो है लड़का था झमड़ करके भाग भी गया, उसको हम पकड़ करके नहीं रख सके।
तो चला गया तो हमको बोला था, हम बोले कि ठीक है तो उसको आने दीजिए, हाँ जब तक वो आएगा नहीं तो हम क्या आपको बता सकते हैं। उससे पूछा जाएगा क्या मकसद था तुम्हारा वहाँ जाने का इतनी बड़ी रात में। तो रात में हम 2 बजे तक लगभग इंतज़ार देखे यहाँ पर, उसके घर वाले को भी हमने जगाया कि देखिए यहाँ पर आया है कि नहीं आया है, लेकिन घर में था नहीं। वो लोग भी खोजने लगे कि कहाँ पर गया है, तो हमने इन लोगों को कहा कि आप लोग अभी घर जाइए, हाँ सुबह तक अगर वो आएगा तो उससे पूछताछ की जाएगी। तो फिर जो है हम 2 बजे के बाद हम घर चले गए। तो सुबह जब हम उठे और पता किए तो मालूम चला कि अभी तक वो नहीं आया है, हालांकि वो आया हुआ था। घर वाला सब झूठ बोल दिया होगा, हाँ क्या माहौल गर्म है, गांव वाला सब झूठों का बवाल करेगा इसी के लिए। हाँ तो हमने बोला कि आपने क्या इसके बारे में डिसीजन लिया, इसलिए कि आपका बेटा ने ऐसा कांड किया है। तो उन्होंने बोला कि देखिए पंचायत बैठने दीजिए, पंचायत में सारा बात। तो बोले ठीक है, पंचायत हो जोहर के बाद लगभग 2 बजे पंचायत होगी, आप लोग रहेंगे। इतने बात हुआ, पंचायत बैठाया गया, यहाँ पर जो है गाँव के लोग सभी यहाँ मौजूद थे। हाँ तो लड़की वाले के तरफ से जो फैसला आया, बात आया, हाँ कि जो है इस तरह का मामला हुआ, मैं जो रात में बताया था वही यहाँ पर पंचायत में बताया। लेकिन लड़के ने कहा कि हम जो है उधर से जा रहे थे बिहार पानी करने के लिए खेत में, उनके खेत में, और इन लोगों ने जो है पकड़ करके हमको मारा। बांका जिला के फुल्ली डुमर प्रखंड क्षेत्र के राता पंचायत अंतर्गत रामपुर खेसर मुख्य सड़क से दक्षिण कदवारा गांव तक मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत करीब 66 लाख की लागत से बनने वाले करीब 1.25 किलोमीटर लंबी सड़क एवं सलैया भुड़कुड़िया प्रधानमंत्री सड़क से उद्वारी टोला तक सड़क का शिलान्यास बुधवार को विधायक रामदेव यादव ने किया। कदवारा सिलापट में जदयू पार्षद मनोज यादव की उपस्थिति दर्ज है, लेकिन वे उपस्थित नहीं हुए। मौके पर विधायक ने कहा कि 2 दिनों के अंदर करीब 3 करोड़ की लागत से बनने वाले सड़क का शिलान्यास फुल्ली डूमर बेलहर एवं चांदन प्रखंड में किया गया है। विधायक ने कहा कि अगला 5 वर्ष फिर सेवा करने का मौका मिला तो विधानसभा क्षेत्र का एक भी गाँव सड़क विहीन नहीं रहेगा। मौके पर उपस्थित स्थानीय ग्रामीणों ने राजद के पक्ष में मतदान कर युवा नेता तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने में सहयोग करने की अपील की। इस अवसर पर प्रखंड राजद मीडिया प्रभारी राहुल रंजन, प्रखंड अध्यक्ष परमानंद मंडल, शैलेंद्र कुमार, अति पिछड़ा राजद अध्यक्ष पंकज मंडल, खेसर के युवा नेता पंकज भगत, जयद्रथ यादव, रमेश पंजियारा, अंबेडकर कुमार, खड़ोवा के सुमित कुमार समेत दर्जनों अन्य राजद कार्यकर्ता मौजूद थे। आज बेलहर और फुल्ली डुमर प्रखंड के अंतर्गत बेलहर विधानसभा क्षेत्र में लगातार ग्राम पंचायत झिकुलिया में दलित टोला होते हुए हाथियाडाड़ा तक सड़क निर्माण मुख्यमंत्री सड़क योजना से 58 लाख की लागत से रंगा में, 1.5 करोड़ की लागत से झिकुलिया में, और यहाँ कितना है, 66 लाख की लागत से राता में, और इसके बाद 2 करोड़ की लागत से, लगभग 1.5 करोड़ की लागत से ये क्या नाम है, उर्दवारी में मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास के अंतर्गत सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। कल और परसों भी जो बचे हुए सड़क हैं लिखनी को जी का, और भी जिसकी सूची अभी हमें प्राप्त होगा, मैं कल इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। लगभग 3 करोड़ की राशि का योजना आज मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास के अंतर्गत हमने इस बेलहर विधानसभा के राता गांव में और झिकुलिया गांव में और रांगा गांव में और इसके अलावा वहां उर्दवारी में सड़कों का आज शिलान्यास हो रहा है। हमें खुशी है इस बात का कि आम जनता को इससे लाभ मिलेगा और विकास की गति आगे बढ़ेगा।